हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे गोल्ड का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक, आल्सो फॉर नेक्स्ट मंथ। तो लेट्स स्टार्ट विद द मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे आप देखोगे तो इस महीना की शुरुआत जो है तो लगभग 123 रुपीज गेन के साथ की है। लास्ट मंथ हमने गोल्ड में लगभग 900 रुपये का लॉस देखा, 1.75% डाउन। उससे पहले लगभग 412 पॉइंट का लॉस, 1% डाउन। तो जैसे मैंने कहा था कि यहाँ गोल्ड ने जो है तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे टॉप क्रिएट कर दिए हैं अराउंड 56,000। और अभी यहाँ जो है तो हम लॉन्ग टर्म करेक्शन में हैं। यहाँ मुझे लगता है कि हम आने वाले समय में निचले लेवल देख सकते हैं लगभग 43,000 तक। अगर 43,000-44,000 का लेवल मिलता है तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उन्हें एक वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। उसके नीचे आपको एक्युमुलेट करते रहना है इन गोल्ड बीज। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो लास्ट वीक हमने लगभग फ्लैट पॉजिटिव क्लोजिंग देखी गोल्ड की 57 रुपीस के गेन के साथ। तो यहाँ बाउंस बैक किया था गोल्ड ने, वो बाउंस बैक मुझे लगता है कि खत्म हो रहा है। हम फिर से जो है तो 49,500 की तरफ बढ़ सकते हैं। और उसके नीचे अब ब्रेकडाउन होता है तो हमें एक अच्छे खासे निचले लेवल लगभग 48,000 का लेवल भी गोल्ड फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ वीकली चार्ट मुझे वीक लग रहा है और यहाँ मेरी जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो सेल ऑन राइज रहेगी विद स्टिक स्टॉप लॉस। यहाँ 51,500 के अराउंड अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे। यहाँ हाई था लगभग 51,390, तो 500 के अराउंड अच्छा खासा रेजिस्टेंस है गोल्ड के लिए। और नीचे जो है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मीडियम टर्म में 49,500-48,000 के लेवल। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि गोल्ड जो है तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 0.6% नीचे बंद हुआ है। और यहाँ ऊपर के लेवल से आपको एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है। यहाँ भी करेक्टिव पैटर्न है। यहाँ मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल पे आपको जो है तो सप्लाई आते हुए दिखेगा मार्केट में। नीचे 49,700 और आप जो है तो 48,700 के एज अ टारगेट पकड़ कर चल सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। और जो हाई था 51,390 का, तो वो हाई जो है तो एज अ स्टॉप लॉस एक्ट करेगा शॉर्ट पोजीशन के लिए। मुझे लगता है कि आपको आने वाले दिनों में गोल्ड में जो है तो निचले लेवल देखने को मिलेंगे। मेरा जो पहला टारगेट रहेगा इस महीने के लिए वो रहेगा 49,700 और उसके बाद में जो है तो 48,700 के टारगेट आप इस मंथ के लिए लेकर चल सकते हो। मंडे के लिए जो ट्रेड रहेगा मेरा, अगर गोल्ड में बाउंस बैक आता है तो आपको 51,200 या 300 के अराउंड बेचना है गोल्ड को। स्टॉप लॉस 51,500, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। और जो टारगेट है वो 50,700 के टारगेट, आप 700 से लेकर 600 तक टारगेट आपको मिलेंगे गोल्ड में। तो ऊपर के लेवल पे आपको सेल ऑन राइज भी रखना है गोल्ड पे। मंडे के दिन भी हमारा जो है तो गोल्ड पे देरी शुरू रहेगा और मुझे लगता है कि हमें शॉर्ट टर्म में भी निचले टारगेट गोल्ड में देखने को मिलेंगे। तो डेली चार्ट पे देखा हमने, यहाँ क्लियर कट टॉप दिखाई दे रहा है मुझे और नीचे जो है तो 49,700-48,700 ये टारगेट जोन रहेंगे मेरे इस मंथ के ट्रेडिंग के लिए। वीकली जो चार्ट है उस पर भी मुझे लगता है कि बाउंस बैक इज ओवर और हम जो है तो धीरे धीरे निचले लेवल की तरफ करेक्ट करेंगे। और जैसे ही 49,500 का लेवल ब्रिज करेगा मार्केट, आपको जो है तो एक अच्छी खासी बड़ा सा ब्रेकडाउन प्राइस में आता वो दिखेगा। और यहाँ जो है तो 48,000 और उसके बाद में 45,000 की टारगेट जो है तो गोल्ड दिखा सकता है। मंथली चार्ट पे भी लॉन्ग टर्म टॉप ऑलरेडी बन चुका है 56 के अराउंड। अभी हम जो है तो लॉन्ग टर्म करेक्शन में जा रहे हैं जिसका टारगेट रहेगा 43,000-44,000 के अराउंड। अगर उस लेवल पे आता है तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। उसके नीचे जो है तो गोल्ड बीज में आप एक अच्छे खासे एक्युमुलेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो हमने सभी चार्ट टाइम फ्रेम पे गोल्ड देख लिया। तो आई होप सो कि ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.